अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं यास्मीन सुल्ताना, आइए देखते हैं आज की खबर। वही भेजने को राजी नहीं थी, ऐसा कत्ल हमारे आंखों में दिख रहा, मगर हमारे को यहाँ की पुलिस बोली बच्ची को लाके छोड़ने के बाद घर में आके जो है सो दावत में ही आके उनके हस्बैंड मारे बच्ची को, तो हमारे वो करे, हमारे हस्बैंड भी थे, उनके चचा भी थे घर में, उनके चचा पे भी हाथ उठाए करे, तो हम लोग बाद में बच्ची को रख लिया घर में भेजते बल के, तो तीन चार महीने रख लिए हम लोग घर में। तो फिर यानी फर्स्ट टाइम हुआ ना ऐसा, थोड़ा बहुत होते, कौन सी शादी में नहीं होता ऐसा लड़ाई झगड़ा ये हो, बोल के पूरे बस्ती के लोग हैं, खानदान के बड़े लोग हैं, ये सब मिलके जो है सो फैसला करे भेजेंगे, एक मौका दियो। तो हम लोग बोले नहीं, एक बार हाथ उठाने के बाद हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, नहीं भेजते बोले हम लोग। तो फिर नहीं नहीं अब क्या चाह रहे हैं माँ बाप, हमारी बच्ची को इंसाफ होना, लोगों को बस्ती में कदम नहीं रखना, और लगा ऐसा करो हम ना जो है सो मर्डर केस में डाले, और ना डोरी केस में बोल के बुक करे कहते, पुलिस वाले भी जो है सो हम लोग का साथ नहीं दे रहे, चंद्रन कुटे वाले पीएस वाले हमारा साथ नहीं दे रहे, हमने पुलिस ने हम लगा मर्डर केस था ये तो देखे हुए है ना केस, तो हम लोग तो करे भी नहीं थे पहले, उन्हें खुद जाके सिलेंडर हुआ, हम लोगों को मालूम भी नहीं ये चीज़ हुई थी घर में, बच्ची को मार दिए, मार के जाके करके सब मिल के जो है सब पूरा प्लानिंग से करे, और ना सिलेंडर हो गया, और उसके बाद में हमारे को मालूम हुआ, तो हमारे बॉडी को भी अभी पेरेंट्स को भेजने वहाँ पर बच्ची को भी उठा के लेके चली गए, पुलिस वाले रहना था देखना था क्या है क्या नहीं, हथियार कुछ बता रहे हम लोग को, और मर्डर की वजह क्या है भी नहीं मालूम हम लोग को आज तक, तो ये सब हमको मालूम होने का है हमको। आप लोग मालूम करने की कोशिश करें, आप लोग कर रहे हो ना, हर पुलिस स्टेशन गए हम लखनऊ माँ पुरानी हवेली क्या बशीराबाद हर जगह जा रहे हैं हम लोग। तो क्या जवाब मिला आप लोगों को वहाँ से, देते साथ देते जो बोल रहे बस, और कुछ नहीं, मजबूत रहो सजा होती, बोल रहे बोला मजबूत रहो सजा होती, क्या करेंगे उन्हें आके गया डाल दिए, उन्हें आया अपने आप उसकी जेल को डाल दिया, क्या डोरी केस में डाल दिया, उन लोगों की 19 दिन के अंदर बेल हो गई जी, आपको कैसा पता चला, उन लोगों की बेल होने के बाद पता चला हमारा, 19 दिन के अंदर बेल हो गई, उन लोगों की वापस दिखे तो हम जाके तहकीकात करे तो बोले नहीं लोगों मर्डर केस में नहीं, FIR पहले दिन सादी सीधी FIR, मैं रात में 12 बजे रात को आया, बच्ची का जब कत्ल हुआ मैं काम पे था, पूरे जने गए थे बस्ती लोग अंदर घुसने नहीं दे रहे पुलिस वाले, भाई को भी नहीं घुसने दे रहे, किसी को घुसने नहीं दे रहे पुलिस वाले, जबरदस्ती में घुसा तो मेरे से पूछे क्या बचे हमला, तो 9 लोगों के नामा लिखाया था मैं। आप कोरोना बच्ची के, मेरे वाली साहब हूँ बच्ची का, आपका नाम, मेरा नाम अली बिन मोहम्मद सादी है, नामा लिखाया पूरों के 9 जनों के, लिखाने के बाद मेरा अंगूठा मेरी साइन ले लेके चले गए, रख लेकर करके बाद में दूसरे दिन हम लोग डेड बॉडी लाने में दवाखाने में इसमें मसरूफ रह गए, जब ज्यारत के दिन यहाँ पर सभी खैर में पेपर होना बोले तो। जैसा कि आपने देखा मरहुमा के घर वाले रोड पर उतर आए हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, क्या मरहुमा को इंसाफ मिलेगा।